तो दोस्तों पिछले कुछ समय में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को लेकर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और वहीं हम अगर फाइटर जेट्स की यहां पर बात करें तो भारत के अंदर जितने भी फाइटर जेट्स को बनाया जा रहा है वो अपने समय से पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहां पर जो भी प्रोग्राम यानी कि MRF जैसे टेंडर भारतीय वायुसेना की तरफ से खड़े किए गए हैं उनमें भी काफी डिले देखा जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए कि भारत के अंदर जो भी फाइटर जेट्स बन रहे हैं उनमें अलग अलग डिपेंडेंसी की वजह से यहां पर ऐसा लगता है कि फाइटर जेट्स काफी डिले होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर मानते हैं कि सरकारी वर्सेस यहाँ पर जो प्राइवेट है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इसी सेक्टर में कूदती है तो ये सेक्टर काफी अच्छे से मूव कर सकता है और भारतीय वायुसेना के लिए कम समय में फाइटर जेट्स को बनाकर तैयार कर सकता है। ऐसे में दोस्तों ये तो सच है कि अगर कोई भारतीय प्राइवेट कंपनी आगे से लीड करती है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रोवाइड कराती है तो भारतीय वायुसेना के लिए जो हथियारों की कमी है वो बहुत ही कंप्लीट कर ली जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी काफी तेजी से काम करेगी और ऐसे में अगर सरकारी कंपनियों से कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले काफी अच्छा भी रहेगा। ऐसे में दोस्तों हमने यहां पर देखा है कि न्यू स्पेस रिसर्च, ट्रिपल एच डिफेंस, MKU, आइडिया फोर्स और सागर डिफेंस जैसी कंपनियां आगे आकर काम तो कर रही हैं, लेकिन जब यहां पर फाइटर जेट जैसी टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो अभी भारतीय प्राइवेट कंपनियां पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पाई हैं और अभी इनको मदद की आवश्यकता है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से यहां पर फोर्स किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियां आगे आकर यहां पर लीड लें और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जितने भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट हैं वहां पर स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि DRDO का यहां पर ब्रांड होगा और PSUs और प्राइवेट कंपनियों का यहां पर मैनेजमेंट होगा। और असल में देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है और अगर ये कॉन्सेप्ट आगे आने वाले समय में काम करता है तो भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों की साथ ही अन्य हथियारों की कमी को बहुत जल्द पूरा किया जा सकता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्राइवेट कंपनियों को आने से रोकती हैं और जितने भी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की कोशिश की गई है वहां पर कोई भी कंपनी सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन दोस्तों अगर फाइटर जेट्स के रडार्स के मामले में देखा जाए तो यहां पर चीजें काफी इम्प्रूव हुई है और जैसा कि आपको पता है कि तेजस फाइटर जेट को बनाते टाइम ये सोचा गया था कि पूरी तरह से इसको इंडिजिनस तरीके से बनाया जाएगा, यानी कि इसके अंदर सारे पार्ट्स को इंडिया में बनाकर तैयार किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहां पर रडार को बनाने की कोशिश की गई थी, साथ ही उसके लिए सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर लिया गया था और HAL की तरफ से एक HS-748 के मॉडिफाई करके टेस्ट पैड की तरह इसको तैयार किया गया था। साल 2005 और 7 के आसपास भारत को एक डिसीजन यहां पर लेना था कि आखिरकार भारत को किस रडार के साथ जाना है, लेकिन दिक्कत यहां पर वही थी कि हमारा जो रडार था पूरी तरह से टेस्टेड नहीं था और अगर इसको यूज किया जाता तो इसके लिए टेस्टिंग करने में काफी समय लगता और इसीलिए हमारे तेजस लड़ाकू विमान में और भी ज्यादा डिले देखा जा सकता था। लेकिन तब यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि हम इसराइल से एक रडार को एक्वायर करेंगे और इस फाइटर जेट के अंदर यूज करेंगे। ऐसे में भारत के अंदर जो रडार बनाया जा रहा था उसके ऊपर काम बंद नहीं किया गया, बल्कि भारत ने अपने रडार को यहाँ पर अच्छे से अपग्रेड करते हुए डेवलप किया और साथ ही इसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया गया था और वही रडार आज उत्तम SAR रडार के नाम से जाना जाता है। और ये DRDO द्वारा डिजाइन किया गया रडार इनिशियली BEL द्वारा बनाया जाता था, लेकिन बाद में DRDO और BEL ने मिलकर इस रडार की टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को सौंपी और ये प्राइवेट कंपनी आज की तारीख में हर तरह के रडार सिस्टम बनाने में कामयाब हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि DRDO की तरफ से गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी को भी मास्टर किया गया है और भारत के जितने भी फ्यूचर प्रोग्राम्स होने वाले हैं उन सभी के अंदर गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स का उपयोग किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों गैलियम नाइट्राइड का यहां पर मतलब है कि कम पावर में ये रडार ज्यादा दूरी तक देख पाएंगे और साथ ही ये ऐसे एयरक्राफ्ट को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिनका की क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम होगा, यानी कि ये स्टेल्थी एयरक्राफ्ट के अंगेस भी काफी हद तक इफेक्टिव होंगे। आने वाले Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम के अंदर भी गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स का उपयोग किया जाएगा। LCA तेजस Mk-2 का और TADBF में भी इसी तरह के TR मॉड्यूल्स वाले रडार का यूज किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के बेड़े में जितने भी
फाइटर जेट्स यहाँ पर मौजूद होंगे उन सब के अंदर इसी तरह के रडार को यहाँ पर लगाया जाएगा, जिससे कि भारतीय वायुसेना की जो पावर है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। और साथ ही हमने एक पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमारे जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स हैं उन सभी के अंदर जो रडार लगाया गया है उसको भी यहाँ पर LCA तेजस MK-1A के ऊपर अपग्रेड कर लिया जाएगा और इसके अंदर नया रडार फिट करके इसको यूज किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को काफी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया जाएगा और भारत हर कोशिश में लगा हुआ है कि वह इंडिजीनियस तरीके से हर एक उस कंपोनेंट को बनाए जो कि हमारे खुद के एयरक्राफ्ट के अंदर लगने वाले हैं, ताकि भारत अपने एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से इंडिजीनियस तरीके से बना पाए। ऐसे में दोस्तों आपका इस बड़े अपडेट को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।